वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो कैसे हो आप लोग? अभी मैं हूँ अरंबुल बीच और मैंड्रिम बीच के बीच में, और अभी फिलहाल 5:30 बजे है शाम के। पीछे आप देख पा रहे होंगे मस्त सनसेट हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मस्त सनसेट हो रहा है और एटमॉस्फेयर भी बहुत सही है। लोग बीच में क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉरेनर्स लोग योगा कर रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, मस्त माहौल है। और बीच एकदम शांत है, ये मतलब ये दोनों भी बीच शांत लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ कमर्शियल नहीं लग रहे, तो ज़्यादा ऐसा एकदम लाउड म्यूज़िक भी नहीं है, शांत से म्यूज़िक चल रहा है। देखो गाइस, ये जो बीच का एरिया है अरंबोल और मैंड्रिम बीच के बीच में, ऐसे कॉटेजेस भी है यहाँ पे, आप रह सकते हो। शायद से चीप में मिल जाते होंगे कॉटेज, पिछली बार मैंने देखा था तो कुछ तो 500 to 700 रुपीस के बीच में थे। यहाँ पर भी देखो कॉटेजेस है, तो आप रह सकते होंगे ऐसे कॉटेजेस में अगर आपको एकदम बीच किनारे रहना है। ये भी एक चीप ऑप्शन है रहने के लिए गोवा में। देखो भाई लोग, ये मस्त क्रिकेट खेल रहे बीच पे। बीच पे क्रिकेट खेलने की कुछ मज़ा ही अलग है यार, मज़ा आता होगा एकदम खेलने के लिए। बॉल घूमने की कोई नौबत नहीं, किधर भी मारो जितना भी जोर से मारो, ये लगा है। अरे यार भाई की बैटिंग आ गई अभी। तो भी देखो यार तो सही है, डर मत भाई। क्या आ गया फिर से, दूसरा आ गया, उसका साथीदार आ गया। शैक पे थोड़े गाने चल रहे अभी, अभी थोड़ा मैंड्रिम बीच की इधर आया हूँ मैं। लोग पानी में मजे कर ही रहे, अभी 6 बजने हुए शाम के, रेड फ्लैग लगा हुआ है। सर रेड फ्लैग, ये वाली बीच में वाटर स्पोर्ट होते नहीं है शायद, क्योंकि दूर दूर तक देख पा रहा हूँ मैं, कुछ दिख नहीं रहा है वाटर स्पोर्ट का, क्योंकि बोट्स भी मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब एक आधे दो दिख रहे हैं बोट्स, तो उसे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट होते गए। वाटर स्पोर्ट के लिए वही इधर ही उधर ही जगह बेस्ट है, कलंगुट बागा कैंडोलिम वगैरह, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है वाटर स्पोर्ट वगैरह। अभी ये साइड पे देखो लोग मस्त वॉलीबॉल खेल रहे हैं, पूरे फॉरेनर ही है, पीछे फॉरेन का है, फॉरेन लोगों का है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी उधर जाके, ये लगा तो फॉरेन लोग ही खेल रहा है, सब फॉरेनर ही है, सब मस्त लग रहा है। पासिंग की भाई ने, मस्त लोग यहाँ पे एंजॉय करते बैठे हैं। देखो भाई उसके ऊपर चढ़ गया है और बैलेंस भी कर रहा है, ये भी बंदा कर रहा है। वाह सही है यार, ये भी अलग प्रकार का योगा होगा, बैलेंसिंग करना इतनी
इजी टास्क नहीं है। वेरी स्ट्रॉन्ग बोल रहा है वो। कितना टाइम वो सर्न करवाएंगे देखते हैं। अभी थक गए। सही है ब्रो। पापलेट और कौन सी मिलती है? चिका। अभी मैं तो मच्छी खाता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, मच्छियों के नाम भी नहीं पता है। वो बोल रहे थे कि मच्छी उन्होंने पकड़ ली, अभी वो नेट कुछ बराबर लगा रहे कल के लिए। कुछ पापलेट और चिका बोल रहे थे, लेकिन सही है सब। यहाँ पे बहुत सारे बोट्स दिख रहे हैं जो फिशिंग के लिए जाते हैं, अंदर जाते होंगे। फ्रेश फिश मिलती होंगी यहाँ पे खरीदने के लिए। देखो इधर भी सब वही कर रहे हैं, कल के लिए रेडी कर रहे हैं नेट फिशिंग के लिए। इधर भी है देखो। तो अभी बीच शैक के लाइट लगना चालू हो गए है, थोड़ी देर में थोड़ा म्यूजिक भी शायद चालू हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा आराम बोल के उधर आ गया हूँ, मानरे में से थोड़ा आराम बोल के उधर आया हूँ। तो वो साइड अगर आप देख पा रहे होंगे तो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। मस्त है यार, मस्त एक्टिविटीज़ और मस्त स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं लोग बीच पे, सही लगता है। अब ये छोटा बच्चा क्या खेल रहा है पता नहीं, उसके पापा उधर बैठे हैं उधर। तो मस्त लोग भी बीच पे मस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। वो साइड भी आप अगर जाओगे वहाँ भी देखो वॉलीबॉल खेल रहे लोग, तो फॉरेनर है वो भी। ये साइड भी देखो अभी रूम्स अवेलेबल है, यहाँ पे लिखा देखो रूम्स अवेलेबल हियर सनसेट बीच स्टे, यहाँ पे भी आप रख सकते हो और रुक सकते हो अगर आपको रुकना है तो। देखो यहाँ पे भी लोग मस्त वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ये देखो फुटबॉल, वाह वाह बोलूंगा क्या। सही है गाइस, फुटबॉल ऑन द बीच। देखो गाइस क्या नजारा है, बीच और फुटबॉल। अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, थोड़ा समुंदर के अंदर जाना थोड़ा रिस्की है, इसलिए देखो वहाँ पे जो लाइफ गार्ड है वो लोग अभी सीटी बजा रहे हैं, सबको बोला रहे हैं अभी अंदर आ जाओ, मतलब बीच अंदर आ जाओ, अभी समुद्र के अंदर मत जाओ अभी बोल रहे। अभी भी थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा लाइट है वहाँ पे सन का। देखो वो सिटी बजा रहे हैं अभी, सबको बुला रहे इधर, क्योंकि अंदर जाना थोड़ा रिस्की है अभी हाइट हाइट की वजह से। सो ऐसे ही मैं अभी जा रहा था तो ये भाई साहब मुझे मिले हैं। व्हाट इज योर नेम? कोला। इनका नाम कोला है और ऐसे हम बातचीत कर रहे हैं तो ये बता रहे थे कि ये अभी भी रशिया में ट्विटर और फेसबुक और ऐसे सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन दे यूज VPN, राइट? यूज VPN टू एक्सेस ऑल दिस सोशल मीडिया। और ये भी एक ब्लॉगर है, इनका भी एक चैनल है, उनका होमिलिया टीवी, राइट? सो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन स्टेइंग हियर? इट्स 10th डे। इनका भी बोल रहे कि इनका अभी 10वां दिन है गोवा में, एंड यू आर प्लानिंग टू स्टे
फॉर 3 मंथ्स। तो इनके इनका इनको 3 मंथ्स का वीज़ा मिला है, तो ये 3 मंथ्स के लिए गोवा में गाइस। सो यू आर स्टेइंग हियर इन मैंड्रेम और यू आर प्लानिंग टू गो अदर प्लेस? आई रेंट अ प्लेस। केरिंग बीच। सो गो अरंबोल के जो लास्ट बीच है गोवा का केरिंग बीच, वहाँ पे इन्होंने 3 मंथ्स के लिए गाइस 3 मंथ्स के लिए एक प्रॉपर्टी रेंट पे लिए और वहाँ पे रह रहे हैं। केरिंग बीच के बाद अपना महाराष्ट्र ही लगता है, वो लास्ट बीच है। तो थैंक्स गाइस, आपसे मिलने के लिए अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा।